नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ऑल इन मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिंगरलेक्टेट, जो आरएल आता है रिंगरलेक्टेट, इसके बारे में आज आपको संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। तो इसके अंदर क्या है कि सोडियम लेक्टेट है, जो रिंगरलेक्टेट या आप अदर नाम से भी इसको आरएल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या है कि इसको आप कौन कौन सी डिजीज में उपयोग में ले सकते हैं, कब आप इसे उपयोग में ले सकते हैं, कब नहीं लेना चाहिए और कब आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आरएल के बारे में चर्चा करने से पहले इसके कॉम्बिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ होता है। तो आरएल के अंदर जो कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम पोटेशियम कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट, इसके अंदर सॉल्यूशन इनका मिलकर बना हुआ होता है, जो ये आरएल फ्लूड थेरेपी आती है इसके अंदर। और ये एक फ्लूड थेरेपी है, आपको पता है कि फ्लूड थेरेपी हमेशा ही वीकनेस या पशु को एनर्जी देने के लिए उपयोग में ले जाती है, एनर्जी बूस्टर है। और ये एक नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से ऊपर अच्छा एनर्जी बूस्टर है। जब आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उस स्थिति में आप इसे रिंगरलेक्टेट का उपयोग कर सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान पशु को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए ये रिंगरलेक्टेट या जो आरएल है, ये बहुत ही बहुत अच्छा काम करता है। तो आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। और इसको अगर आपके पशु को लंबे समय से डायरिया है या दस्त है, तो उस स्थिति में भी आप इसे आरएल का उपयोग कर सकते हैं। जब पशु के शरीर के अंदर एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट वगैरह की अगर ऊर्जा में कमी आ जाती है, तो उस स्थिति में इसका उपयोग किया जा सकता है। जब पशु को डायरिया वगैरह हो रहा है, तो उस स्थिति में आप इसे ज़रूर से ज़रूर उपयोग में ले सकते हैं। और अगर आपका पशु ओ फीड के अंदर चला गया है, लंबे समय से खाना पीना नहीं कर रहा है, तो भी आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। और अगर पशु के रुमन की पीएच कम हो गई है, तो उस स्थिति में भी आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। अगर रुमन की पीएच कम होगी, तो उस स्थिति को हम अपने वेटनरी सेक्टर के अंदर एसिडोसिस के नाम से जाना जाता है। जो एसिडोसिस होता है, उसके अंदर आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। और एसिडोसिस को अगर आप अपने पशु को पता कैसे करें, तो पशु के राइट फ्लैंक के अंदर आप हाथ से ऐसे दबाओगे, पेट को हिलाओगे, तो वहाँ पर डब डब की आवाज़ अगर राइट साइड से आ रही है तो एसिडोसिस है, और लेफ्ट साइड से आ रही है तो एल्कलोसिस है। इस बात से भी लगा सकते हैं। और आप पीएच स्केल से भी जो आपके पशु की रूमन की पीएच है, उसे ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको राइट फ्लैंक के अंदर नीडल को क्लिक करना होगा, और नीडल से कुछ से अगर पशु के अंदर एसिडोसिस होगा, तो उसी स्थिति में थोड़ी बहुत गैस भी भरी होती है, तो उसके साथ है या आप पीछे डिस्पोवेन लगा करके आप बाहर खींच करके, और जो अपने पीएच स्केल आती है उसके ऊपर डाल करके भी आप पशु के रुमन की पीएच ज्ञात कर सकते हैं। तो उस स्थिति में अगर आपके पशु को एसिडोसिस की स्थिति नज़र आती है, तो आप उसे आरएल ही उपयोग में लें, अगर आपको अच्छा रिजल्ट और पशु को तुरंत ठीक करना है तो। और उसके साथ आप जो सोडा बाइकार्ब के एमप्यूल आते हैं इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन के रूप में, वो इसके साथ मिला करके आप उपयोग में ले सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको एसिडोसिस के अंदर देखने को मिलेगा। और ऑपरेशन, चाहे बड़ा या छोटा कोई सा भी ऑपरेशन चल रहा हो, तो ऑपरेशन के दौरान भी आप इस आरएल को उपयोग में ले सकते हैं, और सर्जरी या ऑपरेशन के बाद भी इसे आप उपयोग में ले सकते हैं अपने पशु को एनर्जी देने के लिए। और पशु को डायरिया, दस्त वगैरह, या पशु ओ फीड में चला गया, तो उस स्थिति में भी आप इसे उपयोग में ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि इसके अंदर आप कौन कौन से इंजेक्शन मिला करके और दे सकते हैं। तो जो आईवी इंजेक्शन आते हैं, वो लगभग सभी इसके साथ मिला कर दे सकते हैं, जैसे मिलोक्सिकेम है, जो ट्रेबिवेट है, जो विटामिन है, विटामिन मल्टी विटामिन का समूह होता है, वो आप इसके अंदर उपयोग में ले सकते हैं। और जो मेथिल कोबालामिन साल्ट के जैसे न्यूरोक्सिन एम वेट इंजेक्शन आता है, वो भी आप इसके साथ आप मिला करके उपयोग में ले सकते हैं। सोडा बाइकार्बोनेट का जो एम्प्यूल आता है 25 ml, वो भी आप इसके साथ मिला सकते हैं और अपने पशु को चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो यूरिमिन इंजेक्शन आता है या टोनोफोस इंजेक्शन आता है, वो भी आप इसके साथ मिला करके पशु में उपयोग में ले सकते हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये इंजेक्शन या जो आईवी रूट का इंजेक्शन है, उसको आप डाल करके देख सकते हैं। अगर अंदर रिएक्शन किसी प्रकार से नहीं होता है, तो आप अपने पशु को चढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है।
और जब भी आप ड्रिप लगा रहे होते हैं तो ड्रिप के दौरान अगर आपके पशु को कंप कंपी या कुछ अलग आपको फील हो रहा है कि इस स्थिति में कुछ हानिकारक असर हो रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि पशु के शरीर में कंप कंपी आने लग जाएगी, तो उस स्थिति में आप ड्रिप को तुरंत बंद कर दें। या जो कैल्शियम माइफेक्स कालबोरल कैल्शियम की जो माइफेक्स या कालबोरल आती है इंजेक्शन, IV इंजेक्शन आते हैं 450 400 जो भी है, वो आप अगर इस प्रकार से रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत बंद कर दें। और अगर हम बात करते हैं इसकी डोज की RL की, तो आप इसे 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर बड़े पशुओं के अंदर है पर्याप्त मात्रा में है आप चढ़ा सकते हैं, और छोटे पशुओं के अंदर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 500 ml तक उपयोग में, जो भेड़ बकरी है उसके अंदर उपयोग में ले सकते हैं, या जो मीडियम साइज के कटड़ा कटड़ी है उसके अंदर भी आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इन फ्लूड थेरेपी या जो IV इंजेक्शन आते हैं प्रकार की अन्य ट्रिप के बारे में आपको बताना हो तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट को पिक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पर ही बनाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।